हेलो फ्रेंड्स, नई वीडियो के साथ मैं अनामिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग आए हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, यानी कि वशिष्ठ मंदिर पे। तो ऐसे तो मैं वशिष्ठ मंदिर पे बहुत बार ही आई हूँ, लेकिन श्रावण महीने में मैं कभी नहीं आई। मैंने सुना है कि यहाँ का जो सावन महीना में जो बोलबम होता है, यहाँ बहुत सुंदर से पालन किया जाता है। तो चलिए आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। और यहाँ चारों ओर आप देख रहे हैं बहुत सारी दुकानें लगी हुई है और बहुत भक्तों का भीड़ भी है। तो चलते चलते हम आ गए यहाँ पे। तो जब हम जा रहे थे हमें दिखाई दिया कि सभी लोग टीका लगा रहे हैं, और क्या हम भी पहुंच गए टीका लगाने के लिए। तो मैंने और मिस्टर बख्शी ने टीका लगा ली थी, और उसके बाद हम लोगों ने डुगू को भी बहुत ट्राई की टीका लगा के देने के लिए, लेकिन डुगू को शायद डर लग रहा था इसीलिए डुगू ने नहीं लगाया। उसके बाद देखिए हम पहुँच गए यहाँ नदी के किनारे, और यहाँ देखिए कितने भीड़ भाड़ है, मतलब हर जगह सिर्फ भक्तों का भीड़ है। मुझे ये देख के इतना आनंद आया, मैं आप लोगों को बयां नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ आने के बाद तो डुगू को हमने नीचे उतार दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है डुगू को पानी से खेलना बहुत पसंद है। चलिए उस पार जाके मैं पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने 360 डिग्री करके आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखा दिया। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये जितने भी शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो लोग बोलबम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो सभी लोगों ने यहाँ आने के बाद पवित्र मन से नदी के पार में जहाँ पे मिट्टी या तो फिर बाली है उस साइड में उन लोगों ने भगवान शंकर जी का शिवलिंग बनाया, और बनाने के बाद उन लोगों ने यहाँ पे पूजा किया। मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सारे मंदिरों पे गई हूँ पहले सावन महीने में, लेकिन मैंने ये चीज़ कहीं नहीं देखी। तो बातें करते करते हम लोगों ने भगवान का दर्शन कर लिया और दिए भी जला लिए। चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।